हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर मैं लाई हूँ एक गरबा लहंगा की वीडियो। और इस लहंगे को मैंने अगेन एक साड़ी से बनाया है। ये व्हाइट कॉटन साड़ी है और इसका फैब्रिक थोड़ा थिक है। इसमें एक और रेड फैब्रिक है, मतलब रेड बॉर्डर है, और दूसरी ओर ब्लैक बॉर्डर है। अब लहंगा बनाने के लिए मैं इस दोनों ही बॉर्डर को इसे कट करके निकाल लूंगी। और इस बॉर्डर का मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सो मैं यहाँ से इस रेड बॉर्डर को अलग कर ले रही हूँ। जहाँ प्रिंट बिल्कुल सेम है उतनी फैब्रिक रख के मैं यहाँ से इसे अलग कर रही हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ साड़ी ली है, इसका मतलब है कि मैंने 6 मीटर फैब्रिक ली हुई है। आप चाहें तो नॉर्मल फैब्रिक लेके भी इसे बना सकते हैं। साड़ी लेने से बेनिफिट ये होता है कि इसमें हमें बॉर्डर भी साथ में मिल जाता है। इस बॉर्डर में थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, सो इसे साइड से कट करके मैं निकाल ले रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हम ब्लैक बॉर्डर को भी कट करके निकाल लेंगे। मैंने अब तक व्हाइट गरबा लहंगा नहीं बनाया था, इसलिए मैंने इस बार व्हाइट कलर चूज़ किया है। अब बॉर्डर निकालने के बाद साथ ही साथ इसके आंचल को भी मैं इसे सेपरेट कर ले रही हूँ, क्योंकि हमें व्हाइट मेन फैब्रिक चाहिए। नाउ मेन फैब्रिक को सेपरेट कर लेने के बाद हम पैटर्न की कटिंग कर लेते हैं। पैटर्न देखिए मैंने यहाँ कट करके रखी हुई है, जो कि एक कली की पैटर्न है। इसकी पूरी लंबाई 40 इंच है, जो कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंग है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जो ऊपर की कली जो है इसकी साइज़ है 2 इंच। साथ ही कली का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो बॉटम का हिस्सा है, उसकी मेजरमेंट है यहाँ 20 इंचेस। ये मेजरमेंट मैंने फैब्रिक के हिसाब से निकाला है और मैं चाहती हूँ कि लहंगे में ऊपर बिल्कुल भी प्लेट्स ना पड़े, इसलिए मैंने इसे 2 इंच ऊपर में रखा हुआ है। एंड वेस्ट साइज के अकॉर्डिंग मैंने 26 के हिसाब से बनाया है। 26 से थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, अप्रॉक्स 28 तक रखा है। सो अब हम इस कली को कट करेंगे। मतलब मैंने यहाँ 40 इंचेस रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग 40 इंचेस मैं उस साइड से भी मार्किंग लगा लूँगी और इसे इस तरीके से यहाँ से मार्किंग कर लूँगी और वहाँ से ही कट कर लूँगी। अब कली को शेप देने के लिए मैं यहाँ कर्विंग स्केल का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ मार्क कर लिया है और इसे यहाँ से कट कर लूँगी। कटिंग करेंगे तो आप थोड़ा इसमें सीम अलाउंस भी रख लेंगे, अदरवाइज आप जब फैब्रिक में कट करेंगे तो आप उसमें सीम अलाउंस दे सकते हैं। मैं सीम अलाउंस के साथ इसे 43 इंचेस रखा है। अब सबसे पहले हम बॉटम वाला हिस्सा लेंगे, जो मैंने बॉर्डर कट करके अलग किया था रेड वाला, उसे ले रही हूँ और कली को ले रही हूँ। और कली के नीचे वाले हिस्से को इसे रख के मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से पैटर्न बना लेने से प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाता है। इस पैटर्न का यूज़ मैं आगे भी कर सकती हूँ अगर मुझे सेम ड्रेस बनाना है तो। नाउ ये बॉर्डर पूरी तरीके से स्ट्रेट है, सीधा है, और इसमें मुझे कली के बॉटम वाले हिस्से को कट करना है, इसलिए मैं इसे रख के इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ और उसकी मेजरमेंट ले लूँगी। बिल्कुल वही मेजरमेंट मैं इधर भी रख के मार्क कर लूँगी। अब जहाँ से मैंने मेजरमेंट लिया है, उस दोनों ही मार्किंग को मैं इस तरीके से मिला लूँगी और ये मेजरमेंट मेरी बॉटम कली की बन जाएगी। कली को मैंने अलग से कट करके अलग मेजरमेंट बना लिया है और बाकी बचे हिस्से से मैं व्हाइट फैब्रिक की कटिंग करूंगी। नाउ बाकी बचे हुए हिस्से में हम इसके बाकी कली की कटिंग करेंगे। अब हम इस पैटर्न को इस तरह से रखेंगे जिस तरीके से हम इसकी बाकी कटिंग करना चाह रहे हैं, मतलब नीचे से पूरा टच करते हुए इसे रखेंगे। अब बिल्कुल जैसे मैंने इसकी पहले कटिंग की थी वैसे ही इसकी भी कटिंग करूंगी मैं। इसकी मेजरमेंट एक साइड से ले रही हूँ, जो कि है 25 इंच, और बिल्कुल 25 इंच साइड से भी मैं इसे मेज़र कर लूँगी और मार्क करके इसे अगेन कट कर लूँगी, जिससे हमारी ये बीच के लिए ये कली की पैटर्न रेडी हो जाएगी। सो हमने इसकी मार्किंग कर ली है। अब मैं इसे कर्विंग स्केल से इस तरीके से मेज़र करके सेपरेट कर लूँगी, जिससे ऊपर का वाला हिस्सा भी अलग हो जाए और बीच वाला हिस्सा भी अलग से मुझे पैटर्न मिल जाए। ना मैंने पैटर्न की कटिंग तो कर ली है, अब इसे मैं मेन फैब्रिक भी कट कर लेती हूँ, जिससे मैं इसके बाकी फैब्रिक की कटिंग कर सकूँ। इस तरीके से मैंने इसे 2 फोल्ड कर लिया है और मैं इसे सेंटर में इस तरीके से रख के और इसे कट कर लूँगी, जिससे कि एक लार्ज कली बन जाए। मेक श्योर कि पैटर्न का हम लोग जो सीधा वाला हिस्सा है उसको हम फोल्ड किए वाले हिस्से में रखेंगे और साइड से इस तरीके से टर्न कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें पूरे बॉटम की कली की कटिंग मिल जाएगी ओपन करने पर इसे, और इसे ही रख रख के हम बाकी फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं।
नाउ हमने बॉटम की कटिंग कर ली है, इसके बाद जो वाइट फैब्रिक की कटिंग करनी है उसके लिए जो मैंने बीच का पैटर्न रखा था अब बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे रख रही हूँ। ध्यान रखेंगे हम कि जो बीच वाला सीधा हिस्सा है उसे हम फैब्रिक के फोल्ड किए वाले हिस्से में रखेंगे और जो तिरछा काटा है वो एंड पे, जिससे हमें एक चौड़ी कली मिल जाएगी। हम कली की टॉप पोर्शन की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैं अगेन वैसे ही प्रोसेस यूज कर रही हूँ जैसे मैंने बाकी कली की। इसे टू फोल्ड कर लूंगी और जो सीधा वाला हिस्सा है उसे इस तरीके से रख के इसमें मार्किंग कर लेंगे। सो एक ही कली के टॉप और बॉटम दोनों की ही कटिंग हो जाने के बाद हम उसे अटैच करेंगे। ये देखिए, ये बीच वाला हिस्सा है जो कि कम्प्लीटली वाइट है और इसमें हम नीचे जो रेड वाला बॉर्डर है उसे हम अटैच करेंगे और ऊपर की तरफ हम ब्लैक वाले बॉर्डर को अटैच करेंगे जिसे हमने अभी अभी कट किया था। इस तरीके से हम तीनों को अब अटैच कर लेंगे। कली के इन सारे पार्ट्स को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने कली ली है और सबसे बॉटम वाला हिस्सा जो कि मैंने रेड बॉर्डर की कटिंग करके रखा था उसे अब मैं इसे अटैच करूँगी। नाउ जिस तरीके से मैंने रेड बॉर्डर को अटैच कर दिया है ऊपर के हिस्से में हम ब्लैक बॉर्डर को भी अटैच कर देंगे और ऐसा ही हम सभी कलियों के साथ करेंगे, नीचे रेड और ऊपर में मैं इसके ब्लैक बॉर्डर को अटैच करती जा रही हूँ। यहाँ मैंने कली के दोनों हिस्से को अटैच कर लिया है, ऊपर बॉर्डर नीचे रेड। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कली बहुत ही अच्छे से अटैच हो चुकी है, इसे घेर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब हम लहंगे की लाइनिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ सैंटन फैब्रिक लिया है जो कि लगभग 3.5 मीटर है। इसे मैंने टर्न करके रखा है और इसकी मेजरमेंट है 52-51 के अकॉर्डिंग और इसी के हिसाब से मैं इसे कट कर रही हूँ और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें मैं फैब्रिक अलग से अटैच करूँगी। सो यहाँ मैंने इसमें लाइनिंग जोड़ लिया है और नीचे इसकी स्टिचिंग भी कर ली है। लहंगा रेडी है, अब हम थोड़े इसकी डेकोरेशंस करेंगे। नाउ हम लहंगे की कुछ डेकोरेशंस करेंगे, जिसके लिए मैंने ऑनलाइन कुछ मिरर्स मंगाए हुए हैं। इस मिरर को मैंने अमेजोन से मंगाया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो वहां से बाय कर सकते हैं। इस मिरर में आप देख सकते हैं कि मिरर के साथ साथ इसे फ्रेम भी लगी हुई है जिसे आप स्टिच भी कर सकते हैं और स्टिक भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं डेकोरेशन के लिए कुछ लेसेस भी यूज़ कर रही हूँ। इस लेस में राउंड राउंड शेप बना है सो मैं इसे कट करके पैचेस के रूप में अलग कर लूँगी। सो आप मिरर्स एंड पैचेस को अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसे इस तरह का शेप दिया है। आप इसका यूज़ किसी भी पैटर्न में कर सकते हैं। लहंगे की कलियों की जॉइंट के लिए मैंने यहाँ एक और लेस का यूज़ करूँगी, इसे मैं जस्ट इसमें स्टिच कर दूँगी और ये काफ़ी कलरफुल है। और गरबा लहंगे के लिए आप जितने भी चाहें उतने कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और लेस का यूज़ करूँगी जो कि वाइट है और इसमें भी मिरर्स लगे हुए हैं। लेस के अलावा आप चाहें तो कुछ घुंघरू या बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने इस तरीके से इस लेस को दोनों ही जॉइंट पर लगाया है और इसके बाद ये लहंगा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। मैंने इसे ब्लैक ब्लाउज और कलरफुल दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।